प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ देखते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे इसका। प्रॉफिट एंड लॉस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमें कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोले अगर इंक्रीज हो रहा है कितना, 25%। 25% का मतलब होगा यहाँ पे 1/4, ठीक है। ये कैसे आया यहाँ पे देखिए, अगर 25% है, परसेंटेज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25% आता है नीचे कितना आया 100, 25 चौके 100 / 4, इसका मतलब यही होता है। अगर बोले अगर ये 25% है, अगर 1 मिनट पहले इसको हम देखते हैं, ठीक है, 25% डेट मीन्स 1/4। अगर बोले 50%, इसका मतलब 1/2। अगर बोले 20% का मतलब 1/5। नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स, क्लियर करके लिखता हूँ पहले यहाँ पे। यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, एक 25% मीन्स 1/4, 20% मीन्स 1/5। यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए, 50% डेट मीन्स 1/2। तीन, थ्री, मोस्टली इतना ही पूछा जाता है, इतना आप याद करके रखिएगा। अगर ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होता है, अगर किसी भी चीज में, किसी भी, अगर किसी भी प्रोडक्ट में 50% इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 इसका, ठीक है। अगर किसी भी चीज में 50% का डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कितने में डिक्रीज हो रहा है, 1 माइनस कर देंगे इसमें से जितने में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर बोलेगा 25% का इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है 4 है नीचे, कितने पे इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 4/5/4 पे डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, 4 में 1 घटाएंगे। अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कितना, 50%, तो हमने क्या लिखा, 3/2। अगर डिक्रीज डिक्रीज होगा हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2 में 1 जाएगा तो माइनस होगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर 20% के इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे अगर 1/5 है, इसका मतलब है 20% अगर इंक्रीज होगा, 20% की इंक्रीज होगी 20% की, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 6/5। और डिक्रीज होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/5। 20% इंक्रीज हुआ तो ये लिखेंगे, अगर 20% डिक्रीज हुआ तो हम ये लिखेंगे 4/5। एक रूल तो ये होता है, ठीक है। अगर अगर किसी भी प्रोडक्ट पे 20% इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे 100 में घटाएंगे, 100 में जोड़ेंगे 100 में घटाएंगे, ठीक है। कितने पे इंक्रीज हो रहा है, 100 पे इंक्रीज हो रहा है, कितना, 20%, 120%, ऐसे लिख सकते हैं, 120 लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी भी वस्तु पर 25% का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100%, 2% है इंक्रीज हो रहा है, कितना, 25% का, तो 125। और अगर डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसमें, 100 में ही जोड़ेंगे 100 में ही घटाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डिक्रीज होगा 20% का तो किसमें, 80, 100 पे डिक्रीज हो रहा है, कितना, 20%, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 - 20, 80/100। अगर 25% की डिक्रीज हो रही है, किस पे हो रहा है, 100 पे डिक्रीज हो रहा है 25%, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 75/100, इस तरह हम करेंगे। ये इजी हो जाता है, हमें यहाँ पे कोई वैल्यू याद करना नहीं पड़ता है, ठीक है।
इसीलिए हमें ये लिखना पड़ता है। अगर आपको यहाँ पे 3.33.33 इतना परसेंट बराबर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/3%। अगर इंक्रीज होगा 1/33.33%, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, किस पे, इस पे जोड़ेंगे, इस पे घटाएंगे, हर डिनोमिनेटर जो होगा इसका उस पे जोड़ेंगे, उस पे घटाएंगे। अगर इंक्रीज हो रहा है 33% का, तो हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, कहाँ पे, नोमिनेटर में। जैसे 1/3 है तो 33% इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1+3/3 ये करेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, 3 में माइनस करेंगे 1/3, तो 2/3, 33% का अगर डिक्रीज होगा तो ऐसे ही हमें करना है। तो हम लिखते हैं पहले कुछ रूल्स होते हैं इनके, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, अगर हमें 50% इक्वल्स टू कितना, 1/2। सेकेंड है 25% 1/33.33% 1/3। थर्ड है 25%, दैट मीन्स 1/4। फोर्थ है 20%, दैट मीन्स 1/5। सेकेंड है 16%, ये हो गया। अब एक ये तो वैल्यू जो याद रखना है वो है, अगर आपको याद नहीं है कि 50% इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे, 100 में जोड़ेंगे। जैसे 50% की इंक्रीज हो रही है, 50, एक मिनट, ये तो हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर 50% की यहाँ पे 50% इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2। अगर 50% की डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, 2-1/2 इक्वल्स टू कितना, 2/1/2, ठीक है। अगर 33% इंक्रीज हो रही है, 33.3% इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 4/3। अगर यही 33.33% डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 33.33 डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 2 में, इस पे हमें ध्यान देना, ठीक है। 3 पे घटाएंगे, 3 पे जोड़ेंगे, तो 3 में अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर 25% की इंक्रीज हो रही है, 25% इंक्रीज हो रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 5/4 लिखेंगे। अगर 25% की डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 3/4 लिखेंगे। एक जुटेगा एक घटेगा, ठीक है। और 20% की इंक्रीज हो रही है, तो हम लिखेंगे 6/5। अगर 20% की डिक्रीज हो रही है, तो हम लिखेंगे 4/5। ये तो एक तरीका, अगर आपको वैल्यू याद है इसका, परसेंटेज का, 25% इक्वल्स टू 1/2, 33.33% इक्वल्स टू 1/3, 25% इक्वल्स टू 1/4, 20% इक्वल्स टू 1/5, तो हम इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें वैल्यू ही नहीं पता होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, 100 में घटाएंगे, ठीक है। जैसे इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 50% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, 100 में घटाएंगे। 100 में किस पे इंक्रीज हो रहा है, 100 पे इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। 25% की अगर डिक्रीज होगा 50% को हम क्या करेंगे, 100 में घटाएंगे, 100 में जोड़ेंगे, मतलब 100 में अगर माइनस करेंगे 50% को कितना हो जाएगा, 50/100, ठीक है। और 25% की इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स 100 में 25% की इंक्रीज हो रही है, 1/125 होगा। अगर 25% की डिक्रीज होगी, तो 75/100 होगा। अगर 20% की इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स 100 में 20 की इंक्रीज हुई है, 100 में अगर 20 की डिक्रीज होगी, तो 100 में 20 की डिक्रीज हो रही है, 80/100, इस तरह हमें करना। अगर हमें नहीं पता है उसका वैल्यू,
50%, 75%, 25%, 33%, 16% इस सब चीजों का, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाय से साइकिल फॉर आरएस 1,400 एंड सेल इट ए लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग सेल प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी कहते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिसे हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा हमारा, जैसे 50% की लॉस हो रहा है हमें, 15% की लॉस हो रहा है, किस पे लॉस हो रहा है, 100 रुपीज है कोई चीज, लॉस हमें कितना हो रहा है, 15% की लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 में 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इसके आगे क्या है, सीपी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 और यहाँ पे कितना का 70 और यहाँ पे 20, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो कैलकुलेशन आएगा इससे कि हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ओके। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम इसी से हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस एसपी बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। तुम्हारा क्या है, एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज कितना का हो रहा है और डिक्रीज कितना का हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे, या तो हमें टाइम निकालना हो या फिर जो भी निकालना हो, ठीक है। तो एस पी हमारा कितना है, एम एल बाय साइकिल फोर, इतना खरीदा कितने में, इतना में खरीदा, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, एंड सेल कर दिया कितने में, लॉस 15% की लॉस पे सेल कर दिया, तो हमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, एसपी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 1400 रुपये है, कितने पे बेच दिया, 15% की लॉस पे इसने बेच दिया, कितना हो जाएगा, 85/100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट, एसपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1190 1190 1190 हो जाएगा इसका क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक और तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है, वो होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, 100% हमारा 100% इक्वल्स टू जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, अभी 100% है, मतलब अपने आप में कितना है, पूरी है, ठीक है, 1400 रुपये है, ठीक है, 100% इक्वल्स टू 1400% है ना, 1400 रुपये है ना। तो क्या कह रहा है कि 15% का लॉस हो रहा है, किस पे लॉस हो रहा है, 100% पे 15% लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 85% होगा। अब हम ये निकालेंगे 85% हो रहा है और होगा कितना, अगर 85% हमें निकालना होगा तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, पहले 1% बराबर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा 85% अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे 100% इक्वल्स टू कितना है, 1400 है, तो 100% अगर 1400 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 14 रुपीज होगा, ठीक है। अगर 85% पूछ रहा है, 85% कितना होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, 14 में 85 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा 1190 रुपए। ये हमारा बहुत ही इजी मेथड होता है जो कि है एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है ऑन ए सेलिंग ए आर्टिकल फॉर ₹651 there is a loss of 7% the cost price of that article। तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई कोई प्रोडक्ट है जो कि बेच रहा है, कोई आर्टिकल है जो बेच रहा है कितने पे, 651 रुपए में, और उसको लॉस हो रहा है कितना परसेंट का, 7% का, नहीं 7% का लॉस हो रहा है। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से बनाएंगे। सिंपल मेथड हमारा क्या होता है, SP = CP into मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। एसपी हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा है 651 रुपया, ठीक है। सीपी हमें निकालना है कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो इसको हो रहा है 7% का लॉस, दैट मीन्स कितना, 100 पे 7% का लॉस, तो हमारा ये हो जाएगा। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा कितने पे, 7 से, और सीपी बराबर हमारा हो जाएगा 700। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अगर हम इसको चाहेंगे लगाने के लिए एलिगेशन मेथड में, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 7% का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, 100% था हमारे पास, 7% का लॉस हो गया, तो दैट मीन्स कितना बचा, अगर 7% का लॉस हो गया तो हमारे पास कितना बचा, 93% बचा। 93% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 651 को, तो हमें चाहिए कितना, 100% चाहिए। 100% निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, 1% निकालेंगे। अगर 1% निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 7 रुपीज होगा, ठीक है। अगर 1% बराबर 7 रुपीज है, तो 100% = कितना हो जाएगा, 700 रुपीज हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आप चाहे ऐसे लगा सकते हैं या तो फिर ऐसे लगाते हैं, जैसे मर्जी आपको वैसे आप सूट कीजिए, नो प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है सारे, जो कि टीसीएस विप्रो बिल्स एंड इन्फोसिस कोक्यूब्स इलिटमस एमकेट में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं बहुत सारे। हमें अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है ना। हर क्वेश्चन हमारा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 960 रुपीज, देर इज लॉस ऑफ 4%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, एसपी हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा है 960 रुपए, सेलिंग हमारा कितना है, 960 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस 960 इक्वल टू सीपी हमें निकालना है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है, किसमें कितना, कितने में 4% का लॉस हो रहा है, 100 में 4% का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स कितना, 96% यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। ये 96 कैंसिल आउट, सीपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज सीपी बराबर। अगर हम करना चाहें एलिगेशन मेथड से, तो क्या हो जाएगा, 100% में 4% का लॉस हो रहा है, तो हमारे पास टोटल कितना, 96% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 960 को। अगर 1% हमें निकालना है, 1% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1% इक्वल्स टू हो जाएगा 10 रुपीज, ठीक है। तो हमें चाहिए कितना, 100% चाहिए, क्योंकि 4% लॉस हो रहा है सेलिंग करने पे, तो 96% पे सेलिंग कर रहा है, हमारा टोटल जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 100% था। 100% हम निकालेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 10 × 100 = 1000 रुपीज, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अगर आप जैस इस तरह करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फोर्थ क्वेश्चन सेम ही, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टाइप वन का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रिटेलर बाय रेडियो फॉर 225 रुपीज, हिज ओवर हेड एक्सपेंस आर 15 रुपीज, ही सेल द रेडियो फॉर 300, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर, प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है
तो उसने उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस उसका हो जाएगा सीपी बराबर खरीदा कितने पे, 225 रुपये पे खरीदा और 15 रुपये वो क्या किया खर्च कर दिया उसको मरम्मत कराने में, तो टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा टोटल हो गया 240 रुपये, और बेचता कितना में, सेलिंग प्राइस का हो जाएगा कितना 300 पे बेचता है, ठीक है कितने में 300 पे बेचता है, तो 240 रुपये में कितने पे बेच रहा है, 300 में। अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा 300 है और माइनस सीपी कितना है 240 रुपये, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 60 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, 1 बाय जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100, ठीक है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना 60 रुपीज का प्रॉफिट है, सीपी हमारा कितना 240 रुपये है, और 100 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 6×6=24। तो हमने आपको बताया था कि 1/4 × अगर 100 हो तो कितना हो जाएगा, 25% हमारा डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, 25% की प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे सीपी बाय SP/100, SP/CP, ठीक है तो हमारा जो SP है वो कितना है 300 है, और CP हमारा कितना है 240 रुपये, ये जीरो कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 635, 635 और 6×24 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है 4 से। तो हमने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट होता है 1/4 पे अगर प्रॉफिट होगा 25% का तो क्या हो जाएगा, वह तो 5/4 हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कितने का, 25% का, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है नो प्रॉब्लम, ऐसे भी कर सकते हैं या तो फिर आप डिटेल में करना चाहें तो डिटेल में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। मिस्टर कश्यप परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर 12,000 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 15,000 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, पहले प्रॉफिट निकालेंगे इसका, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा होता है एसपी माइनस सीपी इंटू 100 100 बाय सीपी। एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा है 15,000, सीपी हमारा कितना 12,000, सीपी हमारा कितना 12,000 और 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 3000 बाय 12,000 12,000 बाय 100, ठीक है ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, 3×12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 × 100, तो 25% की प्रॉफिट हो जाएगी इसको, ठीक है यहाँ पे इसको कट आउट 25 से, ये 25% की प्रॉफिट हो रही है इसको। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है अगर सेकेंड तरीका चाहिए तो हमने क्या कहा था एसपी बाय क्या होता है सीपी होता है, सीपी हमारा कितना है 12,000 है और एसपी हमारा कितना है 15,000 है, ये जीरो तीनों कैंसिल आउट, ये चर्तिया 12 और 3×5=15, 5/4, 4 से कितना ज्यादा है, एक पॉजिटिव है, तो हमारा 25% की वृद्धि हो रही है, 25% प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही पे 3/4 होता तो एक कितने कम है, 3 4 से 3 में तो एक कम है, तो 25% का लॉस हो जाता है अगर माइनस होता है यहाँ पे तो एक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 4 से 1 ज्यादा हो रहा है, तो 25% की प्रॉफिट हो रही है, ठीक है एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें,
एक क्वेश्चन क्या है कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था, इस तरह का क्वेश्चन क्या था, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 7840 रुपीज व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 7%। हमारे पास टोटल 100% है, ठीक है। 100 पहले हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। एसपी बराबर हमारा होता है सीपी इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमें निकालना है, ठीक है। एसपी हमारा 7840 रुपये है, और प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, ये 7% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। किस पे कमाना चाहता है, 100 रुपीज पे 60% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो क्या हो जाएगा, इससे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से 784 मल्टीप्लाई किससे, 107 से, डिवाइड बाय 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7878। टोटल हमारा हो जाएगा 8,000 88,000 88,000 83,000 888 रुपीज, और 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 83,888.8 रुपीज, ठीक है। ये डिटेल में हो जाएगा। अगर हम इतने रुपए में बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, 7% का प्रॉफिट होगा। तो एसपी बराबर हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट पर 100% बराबर हमारा कितना है, 7840 रुपीज है, ठीक है, और हम 7% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, किस पे, 100 पे, हम क्या करेंगे, 107 107 107 इक्वल्स टू कितना, तो हम फर्स्ट हम क्या करते हैं, निकालते हैं। अगर 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7840 रुपीज बाय 100, ये जीरो कैंसिल आउट, टोटल हमारा 1% बराबर कितना हो गया, 7784 रुपीज 784 बाय 10 रुपीज। इसका मतलब है हम यहाँ पे 1% बराबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1% बराबर लिख सकते हैं 78.4 रुपीज, ठीक है। अगर 1% बराबर इतना है तो 107% बराबर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 78.4 × 7107 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, नो प्रॉब्लम, कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये हमारा, टाइप सेकेंड क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल बी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल द लॉस परसेंटेज। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो हम क्या करेंगे, सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है 15 टेबल इक्वल्स टू किसके, एसपी इंटू 20 टेबल का। अब हम यहाँ पे देखो, 5 से 3 और 5 से 4, तो सीपी इंटू 3 इक्वल्स टू SP इंटू 4। हमने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में, जिसके जो सामने वैल्यू होता है वो उसका वैल्यू हो जाता है, तो हम किस पे निकाल रहे हैं, सीपी पे निकाल रहे हैं। सीपी पे हम निकालेंगे सीपी बाय SP लिखेंगे, सीपी हमारा कितना है, 4 है। सीपी अगर हमारा 4 है तो SP हमारा कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो ये कितना है, 4 से 1 माइनस है, तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस 25%, ये हमारा लॉस हो जाएगा 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स द गेन परसेंटेज इज, हमने बताया था आपको सीपी इनटू क्या करते हैं, जितने आर्टिकल का रहेगा वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू के बराबर एसपी इनटू कितने आर्टिकल का, 15 आर्टिकल का। अगर कोई आर्टिकल अगर कोई चीज ₹10 में 18 मिलता है और ₹10 में वो कितना बेचता है 15 ही बेचता है और 3 रख लेता है, तो ये 3 किसका होगा, ये प्रॉफिट होगा 3 का जो भी बेचेगा, ठीक है, वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, 3 into 6, अगर 5, 3 से मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा, 3 into 6, 18, 3 into 5, 15। तो जिसके सामने वाले वैल्यू जो जिसके सामने होते हैं वो उसकी वैल्यू हो जाती है और ये इसका वैल्यू हो जाएगा। हम किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, एसपी, सीपी हमारा कितना है 5 है, एसपी हमारा कितना है 6 है, दैट मीन्स कितना 1 प्रॉफिट हो गया किस पे, सीपी पे। तो इसका मतलब है 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसको, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता दिया था, पीछे कुछ रूल्स लिखाए थे आपको, जैसे यहाँ पे था अगर वन बाय फाइव है तो इसका मतलब है 25-20% हो, टोटल कितना ही है 20%। अगर ये 20% इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5 होगा, यही 20% अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या है 5 से 6 हुआ तो एक बढ़ा, इसका मतलब है 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 oranges इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 oranges देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो सीपी हमारा कितना है 50 है, एसपी हमारा कितना है 40 है, मतलब ₹10 में 50 oranges खरीदता है और ₹10 में 40 oranges बेच देता है और 10 बचा लेता है, जो 10 बेचेगा उसका क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो हमें ये निकालना है, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा CP into 5 equals to SP into 4। तो हम क्या निकालते हैं, सीपी पे हमें हमेशा निकालते हैं, तो इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके सामने जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना है सीपी बराबर 4, यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, इसका मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स द गेन परसेंटेज इज, यहाँ पे CP बराबर हमारा कितना 25 है, इक्वल टू SP कितना है 20 है, मतलब ₹15 का कोई सामान 25 खरीदता है, 25 आइटम खरीदता है ₹15 में और वो बेचता कितना है ₹15 में 20 ही आइटम बेचता है, तो 5 आइटम उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया वो उस पर क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो CP 25 और 5 के 20, इसके सामने वाली जो वैल्यू होगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके सामने जो वैल्यू होगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या निकालते हैं, सीपी हमें निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, सीपी बाय सीपी होगा, ठीक है। यहाँ पे एसपी इक्वल्स टू कितना है 5 है, सीपी हमारा कितना है 4, एक प्लस हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, डेट मीन 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनी डाउट, चलिए नेक्स्ट, बस थैंक यू, यहीं तक आज रहने देते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय।